हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं डिटरमिनेंट के प्रॉब्लम का तीसरा वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को डिटरमिनेंट का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, क्योंकि डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम को ही अच्छे से समझना है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम बनाने में ही दिक्कत आता है मेन डिटरमिनेंट का, कि किस प्रॉब्लम में कौन सा प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा। मैं दो वीडियो ऑलरेडी प्रॉब्लम पे बना चुका हूँ, मैं ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक ही मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज इन मैट्रिसेस, मतलब कि डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होता है मैट्रिसेस में, मैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं उसका वीडियो वेबसाइट पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताया था कि अगर ए कोई एक मैट्रिसेस है, ए अगर कोई एक मैट्रिसेस है तो इसका डिटरमिनेंट और इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों सेम होता है। ये आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अगर कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए अगर कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उस ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा आपस में बराबर होगा, क्योंकि इस पे बेस्ड एक सवाल अभी हम डिस्कस करेंगे। इसे ये प्रॉपर्टी हम पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर लिए, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, मतलब एक्स वाई जेड आपस में बराबर नहीं है, एंड एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब जीरो के बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड माइनस 1 के बराबर होगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अच्छे से करें। किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप जाएं, स्कूल एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। तो गौर करें, मेरे पास ये प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास इस कॉलम में दो एलिमेंट का सम है। तो दो एलिमेंट का सम है, आप लोगों को हम एक प्रॉपर्टी बता चुके हैं कि अगर किसी रो में दो दो एलिमेंट का सम हो तो हम उसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो वेबसाइट पे पड़ा हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, एक्स वाई जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 1 1 1, फिर प्लस यहां से आपके पास क्या आएगा प्रॉपर्टी से, एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इधर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। यहां पे आप गौर करें, थर्ड कॉलम दो एलिमेंट का सम है, तो थर्ड कॉलम दो एलिमेंट का सम है, इसलिए हम इसको क्या किए, दो डिटरमिनेंट में ब्रेक किए, जैसा कि हम यहां पे प्रॉपर्टी में डिस्कस किए थे। अब ये जैसे है वैसे ही रहने दे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, फिर ये आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। यहां से आप गौर करें, इसमें फर्स्ट रो में एक्स है कॉमन, सेकेंड रो में वाई कॉमन है, थर्ड रो में क्या कॉमन दिख रहा है, जेड। तो हम फर्स्ट रो से एक्स कॉमन लेते हैं, सेकेंड रो से वाई कॉमन लेते हैं, और थर्ड रो से जेड कॉमन देते हैं। तो अगर हम एक्स वाई जेड कॉमन दे ले, तो ये एक्स वाई जेड हो गया, इधर आपके पास क्या बचेगा, 1, ये एक्स स्क्वायर आया 1, वाई ये वाई स्क्वायर 1, जेड, और ये आपका क्या आ गया, जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाने का कोशिश करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या है, 1, और यहां पे थर्ड कॉलम में आपके पास 1 है, तो इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं C1 इंटरचेंज, C2 इस वाले पे अप्लाई करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 1 1, फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ये जैसे है वैसे ही रहने दे, एक्स वाई जेड, और इधर 1 1 1, ये एक्स वाई जेड, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो ये कंप्लीट इसके जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं कि C2 चेंज इंटरचेंज C3, तो C2 को अगर हम इंटरचेंज करेंगे C3 से, तो गौर करें ये C3 कहाँ आ जाएगा, C2 पे, और C2 कहाँ चला जाएगा, C3 पे, तो ये आपका क्या बन गया, 1 1 1, फिर x y z, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया। इधर से क्या आ रहा आपके पास, एक्स वाई जेड, इधर 1 1 1,
एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में ये दोनों क्या है, सेम। तो अगर ये दोनों सेम है तो यहां से इन दोनों में से हम ये डिटरमिनेंट कॉमन ले सकते हैं। तो हम इस डिटरमिनेंट को कॉमन ले रहे, तो 111 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हम कॉमन दे लिए। इधर से आपका क्या बचेगा, इसका 1 प्लस एक्स वाई जेड बचा। अच्छा ये चीज और देखे आप, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो यहां पे ये इक्वल टू जीरो बनेगा, यहां पे भी ये इक्वल टू जीरो बनेगा, यहां पे भी ये इक्वल टू जीरो, इस तरफ भी ये इक्वल टू क्या बना, जीरो, और यहां भी ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। अब आप खुद देख सकते हैं मेरे पास ये डिटरमिनेंट आया, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले तो आप खुद देखें इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, 111 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का डिटरमिनेंट। अभी हम आप लोगों से डिस्कस किए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, बराबर। मतलब इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम। इसका डिटरमिनेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, इसी का ट्रांसपोज ये है। और इसका भी हमको क्या निकालना, डिटरमिनेंट, मतलब इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा। तो अगर इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा तो ये किसके बराबर बन जाएगा, आपका x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहां पे देखें x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z। अगर हम इसको जीरो से इक्वेट करें तो यहां पे x इक्वल टू y आएगा, अगर हम इसको जीरो से इक्वेट करें तो ये y इक्वल टू z बनेगा, और अगर हम इसको जीरो से इक्वेट करें तो ये z इक्वल टू क्या बनेगा, x। और जब हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस वन। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। सो एप्लीकेबल कौन होगा, केवल ये होगा, सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस वन, हेंस प्रूफ। ये प्रॉब्लम बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। यहां पे हम क्या किए, थर्ड कॉलम जो था वो दो एलिमेंट का सम था, तो इसको हम अलग अलग बांट दिए। बांटने के बाद इन दोनों डिटरमिनेंट को सेम बनाए इस पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके। लास्ट में हम क्या देखे, मेरे पास ये आया, इसका डिटरमिनेंट, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 111 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दोनों का डिटरमिनेंट क्या होता, सेम। ये आया मेरे पास, इसको जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे x इज इक्वल टू y, y इक्वल टू z, z इक्वल टू x, लेकिन ये एप्लीकेबल तो होगा नहीं क्योंकि यहां पे पहले ही कंडीशन दे चुका है। सो x y z इज नॉट इक्वल टू 1, यही आपका रिजल्ट हो गया। ये हम कैसे लिखे हैं, ये लेक्चर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और बोर्ड के लिए आपको पूरा प्रोसीड करना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे इस वीडियो में, वो सारा प्रॉब्लम बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो सारे उसी प्रॉब्लम में से बोर्ड प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा, इसको आप अच्छे से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, हमको ये प्रूफ करना है, मतलब डिटरमिनेंट में ही रखना है, हमको एक्सपेंड नहीं करना है। यहां पे अगर हम तीनों को ऐड करके देखें तो यहां पे क्या आएगा, अगर हम तीनों को ऐड करें तो 2b आएगा, 2c आएगा, 2a आएगा, इसमें pqr के टर्म्स में आएगा, इसमें xyz के टर्म्स में आएगा। यहां पे हम सबको अकेला करना है, हम यहां पे c1 पे c1 प्लस c2 प्लस c3 करते हैं। तो अगर हम c1 पे c2 प्लस c3 करें तो ये आपका क्या बनेगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, 2 पी प्लस क्यू प्लस आर बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। इधर आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जैसे है वैसे ही रहने देंगे, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ये आपका ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं।
तो 2 अगर हम कॉमन ले लिए तो मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या बचेगा, p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। ये जैसे है वैसे ही रहने दे, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस बी, p प्लस क्यू, x प्लस वाई। अब जरा आप यहाँ पे खुद सोचे, हमको यहाँ पे क्या लाना है, b लाना है, b, यहाँ पे देखिए b मिसिंग है, तो अगर हम इसमें इसको माइनस कर दे तो देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएगा, सी और सी कैंसिल हो जाएगा, खाली बी बचेगा। यहां पे आप देख सकते हैं हमको लाना है क्यू, तो अगर इस पार्ट में हम इस चीज को माइनस कर दे तो आर और आर कैंसिल होगा, पी और पी कैंसिल होगा, बच जाएगा क्यू। यहां पे हमको लाना है वाई, और यहां पे है जेड प्लस एक्स, तो अगर इसमें इस चीज को माइनस करें तो जेड और एक्स कैंसिल होगा, खाली क्या बचेगा, वाई। सिमिलरली सी लाना है, तो इसमें अगर हम इसको माइनस करें तो ए और ए कैंसिल, बी और बी कैंसिल, क्या बचेगा, सी। मतलब कि हम यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे सी वन पे, सॉरी सी टू पे, सी टू माइनस सी वन, और सी थ्री पे सी थ्री माइनस सी वन। तो ये क्या बनता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लग रहा है, C2 और C3 पे। हमको 2 चाहिए था, 2 आ चुका है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन C2 और C3 पे लग रहा है, मतलब C1 को एज इट इज रखेंगे, तो ये 2, ये a प्लस बी प्लस सी, ये वाला ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर, और इधर आपका क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे इस सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सी और सी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस बी बचेगा। यहां पे इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो आर और आर कैंसिल, पी और पी कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस क्यू बचेगा। यहां पे क्या बचेगा, माइनस वाई। सिमिलरली इस कॉलम में ये सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो ए बी दोनों कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, माइनस सी। यहां से पी और क्यू कैंसिल होगा, क्या बचेगा, माइनस आर। यहां से एक्स और वाई कैंसिल होगा, क्या बचेगा, माइनस जेड। आप देख सकते हैं सी आर और जेड आ चुका है, पी क्यू वाई आ चुका माइनस में है, तो हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं। अब मेन आपको आप काम करना है फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट में हमको क्या लाना है, ए पी और एक्स लाना है, तो ए पी और एक्स, गौर करें इसमें हमको बी और सी को हटाना है, तो अगर हम फर्स्ट रो में सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ दे तो ये बी और बी कैंसिल होगा, सी और सी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं सी वन पे, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो गौर करें ये क्या बनेगा आपका, इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, ए, यहाँ से क्या बचेगा आपका पी, और यहाँ से आपका क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा। इधर जैसे जो है माइनस बी, माइनस क्यू, माइनस वाई, माइनस सी, माइनस आर, माइनस जेड। अब सेकेंड कॉलम से माइनस कॉमन लेंगे, थर्ड कॉलम से माइनस कॉमन लेंगे, दो माइनस बाहर आएगा, दो माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस, तो दो माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए पी एक्स, इधर क्या बनेगा, बी क्यू वाई, और ये क्या बनेगा, सी आर और जेड। यही आपका राइट हैंड साइड हो गया, हेंस रिजल्ट। तो यहाँ पे हम क्या किए, मेरे पास ये था, हमको ये लाना था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ दिए, तीनों को जोड़ ही आया, टू कॉमन निकाल लिए, उसके बाद इन दोनों में इसको सब्ट्रैक्ट किए, सी टू पे सी टू माइनस सी वन, सी थ्री पे सी थ्री माइनस सी वन, ये दोनों आ गए, इसके इन दोनों को जोड़ के इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए, मेरे पास रिजल्ट आ गया। ये था आपका एक क्वेश्चन, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। तो मेरे पास क्वेश्चन है, वन प्लस ए वन वन, वन वन प्लस बी वन वन, वन 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 प्लस सी इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीछे चार पांच साल का पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको शुरुआत से ही थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पे गौर करें ए बी सी हमको चाहिए, और यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी के टर्म्स में आ रहा, तो यहाँ पे वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी तो दिख नहीं रहा, और ए बी सी हमको बाहर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे रो से ए कॉमन ले लेते हैं, इस पूरे रो से बी कॉमन लेते हैं, और इस पूरे रो से सी कॉमन लेते हैं। तो अगर हम ए बी सी कॉमन ले लिए तो गौर करें, यहाँ से ए बी सी हम कॉमन निकाल लिए तो ए बी सी आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, वन बाई ए प्लस वन बच जाएगा, ए कॉमन दिए हैं तो, यहाँ पे ए नहीं है, ए कॉमन फिर भी लिए हैं, तो ये वन बाई ए, यहाँ से वन बाई ए,
यहां से आपके पास क्या आएगा, 1 बाई बी, ये 1 प्लस 1 बाई बी आ जाएगा, यहां से बी कॉमन लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा 1 बाई बी, फिर यहां से अगर हम सी कॉमन दें तो 1 बाई सी, 1 बाई सी, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई सी, डिटर्मिनेंट हो गया। अब आप गौर करें, अगर हम यहां पे फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड करें, फर्स्ट रो और सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड करें तो देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, यहां पे 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, यहां पे 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, मतलब कि अगर हम तीनों रो को ऐड करेंगे तो कॉमन आ सकता है। तो हम यहां पे R1 पे अप्लाई करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, बाहर में ABC है, ABC रह गया, यहां पे 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी आएगा, फिर 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, फिर 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी आ गया, बाकी दो जैसे है वैसे ही 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी और ये 1 बाई बी, यहां पे 1 बाई सी, 1 बाई सी, ये 1 प्लस 1 बाई सी। अब फर्स्ट रो से हम 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी कॉमन ले सकते हैं, और रिजल्ट में भी चाहिए आप देख सकते हैं, तो मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, यहां से हम ये कॉमन ले ले, तो ये ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी आया, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 1 क्योंकि कॉमन आ चुका है, तो 1 1 1 यहां पे 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, इधर 1 बाई सी 1 बाई सी, 1 बाई सी 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी, ये आ गया। अब 1 1 आ चुका है, अगर 1 1 आ चुका है तो हम 0 बना सकते हैं, इस 1 को इस 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इस 1 को इस 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। एक चीज और देखें, हमको ये लाना था, ये मेरे पास आ चुका है, मतलब ये जो डिटरमिनेंट आना चाहिए इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 1, देखिए अभी आप गेस कर सकते हैं ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आना चाहिए 1, अगर 1 नहीं आ रहा मतलब आप गलत कर रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं, इस 1 को 0 बनाते हैं इसके मदद से, तो C1 पे अप्लाई किए C1 माइनस C2 और C2 पे अप्लाई किए C2 माइनस C3, मतलब इस 1 को इसके मदद से 0 और इस 1 को इसके मदद से 0, तो यहाँ पे जो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ए बी सी बचा, इधर आपके पास 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बच रहा है, इधर आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है 0, ये क्या आ जाएगा 0, ये 1, यहाँ पे इस 1 बाई बी में ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 बाई बी माइनस 1 माइनस 1 बाई बी, तो माइनस 1 बचा, 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी, 0 बच जाएगा, फिर इस 1 प्लस 1 बाई बी में 1 बाई बी सब्ट्रैक्ट होगा 1, ये 1 बाई सी में 1 प्लस 1 बाई बी सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई सी, ये आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना है, हम इस डिटर्मिनेंट को किसके अलॉन्ग ब्रेक करना चाहेंगे, या तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, तो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग ब्रेक करते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो में 2 जीरो है, फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरो है, चॉइस अपना है यहाँ पे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, तो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग ब्रेक करते हैं, तो अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग ब्रेक करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं, यहां पे अगर हम ब्रेक किए तो मेरे पास ए बी सी एज इट इज रह जाएगा, ए बी सी बच गया, फिर 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी रह गया, यहां पे गौर करें फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 अगर हम लिखेंगे तो 0 इंटू कोई भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, फिर माइनस 0 इंटू डिटर्मिनेंट 0 होगा, फिर मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है 1, तो यहां पे हम 1 लिखे, तो जब 1 लिखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तो माइनस इंटू माइनस 1 क्या बनेगा 1 और ये 0, मतलब ये गौर देख सकते हैं आप ये पूरा कंप्लीट किसके बराबर है 1 के बराबर, तो आपके पास ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए इंटू 1 प्लस 1 बाई बी इंटू 1 प्लस 1 बाई सी आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब आपको ये रिजल्ट आना है, उसमें कुछ नहीं है, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे वो रिजल्ट आ गया, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले ले तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू व्हाट राइट हैंड साइड हेंस रिजल्ट। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत आसान था और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का प्रॉब्लम, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से करें। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रॉब्लम है
If x plus 4 xx, xx plus 4 x, xx, x plus 4 is equal to k into 3x plus 4, then find k. ये क्वेश्चन आपका IIT में पूछा गया है. ये क्वेश्चन आपका लास्ट दो तीन साल में ही आया है. रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन में आया है ये. तो यहाँ पे हमको k का वैल्यू निकालना. आप आराम से जो कंसेप्ट आपको दिए हैं आप उसी कंसेप्ट पे बढ़ेंगे, रिजल्ट अपने आप आएगा. यहाँ पे आप गौर करें, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 3x plus 4. इन तीनों एलिमेंट को ऐड करें 3x plus 4, इन तीनों एलिमेंट को ऐड करें 3x plus 4. यहाँ पे देखिए 3x plus 4 दिख रहा, मतलब ऐड करेंगे कॉमन आएगा, ये आना शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पे हम R1 पे R1 plus R2 plus R3 अप्लाई किए, तो मेरे पास 3x plus 4 आया, 3x plus 4, 3x plus 4. इधर जो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ये x, ये x और ये x plus 4. अब आप देख सकते हैं 3x plus 4 कॉमन, तो 3x plus 4 हम कॉमन ले लिए, तो मेरे पास क्या बचा, 1, 1, 1. यहाँ पे क्या बचा, x, x plus 4, ये x, ये आपका x, x और x plus 4. अब आप खुद देखें 1, 1 आ गया, 1, 1 आ गया, मतलब अब यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 0. तो 0 बनाते हैं, इस 1 को इस 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, c1 पे c1 minus c2 और c2 पे c2 minus c3 अप्लाई करें. तो अगर हम ऐसा किए, यहां से मेरे पास 3x plus 4 आ चुका है, मतलब अब जो कांस्टेंट आएगा, ये जो ब्रेक होके आएगा, वही आपका k के बराबर होगा. तो 1 minus 1 अगर हम किए तो ये 0 आ रहा है. यहां पे x minus x plus 4 करेंगे, तो x minus x plus 4 करेंगे, minus 4, x minus x क्या आ जाएगा, 0. यहां पे 1 minus 1 किए, 0. ये x plus 4 minus x करेंगे, 4. यहाँ पे x माइनस x प्लस 4 करेंगे, माइनस 4 आ जाएगा. आप देख सकते हैं इधर 1, x और x प्लस 4 ये आ गया. अब आप लोगों को हम बताए थे कि कॉमन अगर किसी भी स्टेप में आ रहा है तो हम कॉमन देंगे. तो यहां से आप देख सकते हैं माइनस 4 कॉमन आ रहा है, या यहां से हम 4 कॉमन लेते हैं, यहां से भी हम 4 कॉमन ले, तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से हम 4 कॉमन लेते हैं, तो 4 इंटू 4 क्या बन जाएगा, 16 इंटू 3x प्लस 4 बना. इधर क्या बचेगा, 0, 0, 1. यहां से क्या बचेगा, माइनस 1, 1, x. ये 0, ये माइनस 1 और ये x प्लस 4. अब यहां पे आप देखें फर्स्ट रो में 2 0 है, तो हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करें, तो ये क्या आ जाएगा, 16, 3x plus 4. यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 0 into anything is what, 0, फिर minus, 0 into anything is 0, फिर ये plus 1 लेंगे. अब यहाँ पे determinant को break किए तो ये क्या आएगा, 1, मतलब ये पूरा product बना रहा, तो result आपके पास क्या आएगा, 16 into 3x plus 4. आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे k किसके बराबर है, 16 के बराबर, तो k आपका हो गया 16. तो इस वीडियो में आप लोगों से चार प्रॉब्लम डिस्कस किया. ये चारों प्रॉब्लम बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये प्रॉब्लम आपका कंपटीशन में भी पूछा गया, मतलब आईआईटी जेईई मेंस में पूछा गया है. तो इन चारों प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और एक प्रॉब्लम आप बना के मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे. क्वेश्चन है, आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है. प्रॉब्लम है आपके पास 1, 1, 1 बी सी, सी ए बी, फिर ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी. इसका वैल्यू निकाल के आपको सल्यूशन बताना है कि इसका आंसर क्या है. कमेंट बॉक्स पे आप लोगों को सबको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या रहा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आप लोग मेरे वीडियो से थोड़े से भी बेनिफिटेड हैं, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.